हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम आर्ट मोबाइल पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी डिप्लोमा डिवीजन हो या बीटेक डिवीजन, यदि आर्ट मोबाइल आप पढ़ना चाहेंगे तो आर्ट मोबाइल में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे, या ऐसे कौन सा टॉपिक है जो आर्ट मोबाइल में आप कवर करेंगे, या यदि आप ये पूरा मतलब जो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, यदि पूरा वीडियो यदि अंत तक आप देख पाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ऑटो मोबाइल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मींस यदि आप ऑटो मोबाइल को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं, मींस कह सकते हैं कि आपको यदि उसके विषय में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, आप कंफ्यूज हैं कि हम ऑटो मोबाइल ले या न ले, ऐसे स्टूडेंट्स चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीटेक, यदि स्पेशलाइज ऑटो मोबाइल से लेना चाहते हैं, लेंगे या नहीं लेंगे, तो जाहिर सी बात है वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मोबाइल एक्चुअली में लेने लायक है या नहीं लेने लायक है, मतलब इसमें क्या स्कोप है, मतलब इंटरेस्टिंग है कि नहीं, इसमें कुछ नया आपको करने लायक है कि नहीं करने लायक है। तो ओवरऑल तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑटोमोबाइल एज ए सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, यह स्वचालित वाहन है जो किसी पैसेंजर को अथवा गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता है, मतलब पहुंचाता है। तो ओवरऑल ऑटोमोबाइल क्या करता है, ऑटोमोबाइल में यदि हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखते हैं तो एक सिंपल सा कार ले लेते हैं, क्योंकि कार आप लोग सबसे ज्यादा लाइक करते हैं भाई, सब लोग कार लेने के मूड में बनाए रहते हैं, बाइक फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कार का, तो कार सभी लोग लेते हैं, इस वजह से हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं। तो कार लेने से पहले उसके विषय में भी जानेंगे कि कार एक्चुअली में कार क्या है, मतलब ये क्या है, लेने के बाद उसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट लगे होते हैं, या ऑटोमोबाइल्स हैं, तो बहुत अच्छा आपको मजा आएगा चलाने में, हर कुछ जानते रहेंगे उसके विषय में। तो सिंपल सा ये आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग यदि नहीं है, मतलब नॉन टेक्निकल है, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपको जानकारी हो जाएगा कि एक्चुअली में कार में क्या क्या सिस्टम लगे होते हैं या किसी भी मोटर व्हीकल में क्या लगा होता है। लेकिन हालांकि स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा कि ऑटोमोबाइल में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो ऑटोमोबाइल में एक सिंपल सा आप कार ही लेंगे तो कार के ऊपर वाला जो पोर्शन दिखेगा ना, उसको हम बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल बॉडी। तो बॉडी के देख को देख करके हम लोग बोलते हैं कि ये कार अच्छा है, अच्छी लग रहा है या बेकार लग रहा है, मतलब ओवरऑल अपीयरेंस दिखावा। तो इसमें भी बहुत सारे सेक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर काम कर रहे हैं कि हम उसके लुक किस प्रकार से बहुत अच्छा बना दिया जाए, तो उसमें भी डिजाइनिंग का स्कोप आपको है, आपको बहुत अच्छा उसको डिजाइन कर पाते हैं, तो ओवर एक अपीयरेंस के तौर पर आएगा मार्केट में और उसको बहुत ज्यादा एक न्यू मार्केट क्रिएशन हो जाएगा, मतलब एक तरीके से सेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब सेलिंग बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका जॉब और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, आपको और ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है यदि आप एक ऐसे अपीयरेंस वाला कार का डिजाइन कर दिए। तो ओवरऑल बॉडी हो गया, उसके अंदर चलते हैं। तो अंदर जाने के बाद देखेंगे कि उसमें मोड़ने वाला एक सिस्टम लगा होता है जिसको हम गाड़ी को टर्न करते हैं, उसी को हम स्टीयरिंग सिस्टम बोलते हैं, पैर से यदि हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो उसको ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम पहले कुछ और था, आज के डेट में बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी है, यह एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो हमेशा आने वाले टाइम में बदलता रहता है, न्यू अपडेशन आता है, चाहे मुड़ने वाला स्टीयरिंग सिस्टम हो, चाहे ब्रेक लगाने वाला ब्रेकिंग सिस्टम हो, क्लच जो लेते हैं कि गाड़ी को एक तरीके से इंजन से अलग किया जाता है, क्लच ले लेते हैं तो इंजन चलता रहता है लेकिन उससे आपका व्हीकल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो व्हीकल रुकने लगता है। तो ओवरऑल क्लच जो होता है उसके विषय में जब डिस्कस किया जाएगा, क्लचिंग क्लच सिस्टम बोलते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम जिसके द्वारा हमारा पावर को ट्रांसमिट किया जाता है इंजन से, ट्रांसमिशन सिस्टम हुआ, तो ये सभी आपका टेक्नोलॉजी है ना, क्लच सिस्टम आपका टेक्नोलॉजी है, पहले कुछ और था और ज्यादा इसमें अपडेट हो गया है। सस्पेंशन सिस्टम जो बोलते हैं कि कितना ज्यादा उसमें आरामदायक के तौर पर हम ट्रेवल कर सकते हैं, सस्पेंशन सिस्टम भी एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है। तो ओवरऑल बहुत सारे सिस्टम जो आपको दिख रहा है वहां पर इंजन को छोड़ के, वो सभी एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी एक प्रकार का अपडेट होता है ओल्ड से न्यू टेक्नोलॉजी में, तो एक नाम दिया गया है ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी। तो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी एक आपको सब्जेक्ट पढ़ना है ऑटोमोबाइल के अंतर्गत, तो आप समझ गए होंगे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा, हम लोग अभी लिखेंगे उसके। उसके बाद यदि इंजन का एक अलग, इंजन को हटा दिया जाए तो सिंपल से एक टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन ही सिर्फ रहेगा। तो ओवरऑल ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में के अंतर्गत हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी डिस्कस किए थे। इंजन में बात करते हैं तो इंजन के कंप्लीट अलग से एनालिसिस उसमें किया जाएगा, इंजन क्या है, कितने प्रकार का है, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक है, डीजल है, पेट्रोल है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, हर एक उसमें पार्ट के विषय में डिस्कस कराना और कहां पर लगाएंगे, एफिशिएंसी आदि आदि,
उसमें कंप्लीट एनालिसिस करना ही आपका ऑटोमोबाइल इंजन के अंतर्गत आता है। आप समझ गए होंगे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल इंजन। यह बीटी यूपी हो चाहे उत्तर प्रदेश जो आपका सिलेबस क्रिएट करता है, चाहे आपका ऑटोनोमस को इंस्टीट्यूट हो, आईईआरटी हो, उनका नाम अलग हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट का नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक आपको सेम मिलेगा, बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं। मतलब ऑटोमोबाइल के अंतर्गत यदि क्लच सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम मिलेगा, और इधर इंजन के लिए वही आपको इंजन क्या है, टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, डीजल, पेट्रोल, वाल्व, टाइमिंग डायग्राम आदि आदि वही टॉपिक मिलेगा। हालांकि इसका थोड़ा बहुत आप अध्ययन करे होंगे थर्मल इंजीनियरिंग में, इस वजह से काफी हेल्पफुल होगा, वरना लेकिन लेकिन फिर भी ऑटोमोबाइल में यदि स्पेशलाइज आप ऑटोमोबाइल इंजन पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट से लेकर के बहुत ज्यादा डीप तक आपको पढ़ना पड़ता है। तो ऑटोमोबाइल में हम लोग देख लेते हैं ब्रांचेज। तो ब्रांचेज देखेंगे तो पहला ब्रांच हमने डिस्कस कर दिया, पहला कौन सा डिस्कस किया, ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन। तो ऑटोमोबाइल इंजन मतलब जिसमें इंजन आदि के विषय में डिस्कस करता होगा। दूसरा है ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी। तो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी को ही हम मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो आप नाम से नहीं है, नाम दोनों ही सेम है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में ही बहुत सारे ऐसे सिस्टम उसमें लगा होता है जो आपको चाहे आज के डेट में बहुत ज्यादा एडवांस फीचर किसी कार को दिखाया जा रहा है या किसी मोटर व्हीकल को दिखाया जा रहा है, क्या क्या दिखा करके, रियर कैमरा दिखाता है, सेंसर दिखाता है या किस सेंसर काम करता है, लाइटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, तो वो वाला हॉर्न सिस्टम आदि, हॉर्न सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, ये जितना ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ऑपरेटर लगा जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी उसमें ऑपरेट करने वाला डिवाइस लगाते हैं, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत पड़ेंगे, चाहे मोटर हो, डीसी मोटर, एसी मोटर, अल्टरनेटर, जनरेटर ना, अल्टरनेटर, जनरेटर, फायरिंग ऑर्डर हुआ, चाहे हॉर्न सिस्टम हुआ, ओवरऑल एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम आपको ऑटो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत पढ़ेंगे। मतलब एक सब्जेक्ट इसमें पड़ेगा ऑटो इलेक्ट्रिकल। तो ऑटो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत मीन्स हम लोग ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोलते, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल, तो नाम कुछ भी हो लेकिन ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब इन्वॉल्व हो, तो जाहिर सी बात है वो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत ऑटो इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको एक पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर। चूंकि कोई भी कार है, जाहिर सी बात है कुछ समय चलने के बाद उसमें कुछ पार्ट खराब हो जाते हैं, उसको मेंटेन कराना पड़ता है या समय समय पर सर्विस कराना होता है या रिपेयर कराना होता है। तो मेंटेनेंस सर्विस और रिपेयर में क्या अंतर है, ये तो जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसके अंतर्गत आता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप वहां से कवर कर लेंगे, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको मन में बनता है आप कमेंट करके पूछेंगे, बिल्कुल हम उसका आंसर देंगे। अभी फिलहाल में बस इतना देखेंगे कि इसमें एक सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर। तो इसमें क्या है, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर। तो आप समझ गए होंगे ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल इंजन से रिलेटेड आप जॉब देख सकते हैं कि ऐसा कंपनी जो ऑटोमोबाइल इंजन से रिलेटेड हो वहां पर आपको जॉब कर सकते हैं ऑटोमोबाइल के अंतर्गत। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी जिसमें क्लच सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, गियर आदि आदि बन रहा हो या उससे रिलेटेड कार्य हो रहा होगा, आप ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल, इसमें आपको ऐसा ऑटोमोबाइल हॉर्न सिस्टम हुआ, इग्निशन सिस्टम हुआ, स्टार्टिंग सिस्टम हुआ, मोटर, डीसी मोटर, एसी मोटर आदि आदि,
आपको ऑटो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत जाना पड़ेगा और ये आप पढ़े ही होंगे सब्जेक्ट, इसमें ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर ओवरऑल देखे होंगे बहुत जगह जाओगे। छोटे यूनिट कोई कुछ लोग तैयार कर देते हैं अपना खुद का मेंटेनेंस सर्विस और रिपेयर करते रहते हैं, तो ऑटोमोबाइल में बहुत अच्छा ये स्कोप है कि वो खुद का इतना नॉलेज यदि हो जाएगा तो जाहिर सी बात अपना खुद का एक छोटा यूनिट स्टेबल कर सकता है, टू स्टेब्लिश द ऑटोमोबाइल्स सर्विस एंड रिपेयर, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर मतलब टू स्टेब्लिश द ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर, एक छोटा सा यूनिट आप तैयार कर सकते हैं जिसमें आप मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मेंटेनेंस के अंतर्गत क्या करेंगे, सर्विस के अंतर्गत क्या करेंगे, रिपेयर के अंतर्गत क्या करेंगे, ये आज नहीं, इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखना पड़ेगा और आराम से आप उसके विषय में जान लेंगे और आपके दिमाग में वह सब नए कॉन्सेप्ट क्रिएट होने लगेगा जो आपको और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बनाएगा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। तो ऑटोमोबाइल में हम तो ये बस छोटा सा वीडियो के थ्रू हम आए थे ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि ऑटोमोबाइल, लोग कहते हैं कि ऑटोमोबाइल ले तो ले रहे हैं लेकिन ऑटोमोबाइल में हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे ऑटोमोबाइल के अंतर्गत सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है आप पढ़ लेंगे। इंजन के विषय में बहुत सारे सिस्टम जो लगा होता है उसका नाम ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम सेंसर आदि लगे होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम या ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर के अंतर्गत लेंगे। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमोबाइल में, वो एक सब्जेक्ट को लेंगे, चाहे हम लोग इसके लिए लिया जाए चाहे इसको ले लिया जाए, इसमें पहले हम लोग ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही मजा आता है कि ऑटोमोबाइल नया नया टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप ब्रेक लगाते हैं, सभी लोग फोर व्हीलर चलाते हैं या टू व्हीलर चलाते हैं, ब्रेक लगाते होंगे, क्लच लगाते होंगे, तो ओवरऑल आज के डेट में क्या है, किस प्रकार से चल रहा है क्लच सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, ना स्टीयरिंग सिस्टम, जो भी कौन कितने एडवांस हुआ है, तो इसमें आपको और बहुत ज्यादा जानने की जो जानने लायक मिलेगा कुछ ऐसे पहलू, तो ओवरऑल हम लोग पहले इसके विषय में डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे धीरे धीरे हर एक चीज को ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ये वीडियो हमेशा अपडेट होता रहेगा, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और भी दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा ताकि और लोग को बेनिफिट हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे वीडियो देखने के लिए हमारे डायरेक्शन विजन चैनल के साथ बने रहिए, धन्यवाद।